मेरा कहना यह है कि ये जो सरकार है एक साथ दो लोगों का भविष्य खराब कर रही है। एक तो जो शिक्षक हैं, जो बनना चाहते शिक्षक अभ्यर्थी है, उनका तो भविष्य खराब हो ही रहा है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, जो स्कूल जाना चाहते हैं, स्कूल में हैं, उनके लिए पर्याप्त शिक्षक नहीं है। तो एक साथ दो दो भविष्य खराब हो रहा है। तो यहाँ आम लोगों जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, या अभ्यर्थी हो न हो, आम जनता हो, लेकिन बिहार के भविष्य के लिए ज़रूर आवाज़ उठाइए और इस बात को आगे पहुंचाइए। क्योंकि सिर्फ बात ये हम लोगों की नहीं है, बात उस नन्हे मुन्ने बच्चों की भी है जिनको अच्छे शिक्षक नहीं मिल रहे। कहीं एक शिक्षक है, कहीं दो शिक्षक है। तो हम लोग की दो मांगे हैं कि हम लोग को भी रोज़गार दिया जाए, और जो हक है विद्यार्थियों के पढ़ने का, उनका हक प्रॉपर मिले। बस स्कूल खोल देना मतलब वाजिब नहीं है। ये तो ऐसा हो गया कि बिना गोली के बंदूक दे दिया गया और बोला गया कि जाके लड़िए, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोग का कहना है कि अति शीघ्र, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नोटिफिकेशन को जारी करिए, क्योंकि ऐसे गोल गोल बातों को घुमाने से नहीं होगा कि चलिए नोटिफिकेशन आएगी, आप लोग घर जाइए, अगले वीक आएगी, बहुत जल्दी आएगी। एक समय दीजिए जिस कारण हम लोग निश्चिंत होकर घर जा सके और समाज में एक सम्मान की ज़िंदगी जी सके। इसलिए हमारी अपील है आप सबसे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग तक ये बात पहुँचे। और एक बात और सरकार को हम कहना चाहते हैं कि सरकार हमेशा कमजोरों पे ही अपना जोर क्यों दिखाती है। ये जोर तब कहाँ चला जाता है उनका, जब इनके नियोजन इकाई के अधिकारी अच्छे से नियोजन नहीं करवाते, तब तो इनकी पुलिस वहाँ नहीं पहुँचती है कि नियोजन जल्दी करवाइए। इनका जोर हमेशा विद्यार्थियों पे ही क्यों चलता है, क्योंकि इनको वो कमज़ोर समझती है और कमज़ोर ही रखना चाहती है। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप लोग पुरजोर आवाज़ उठाइए। धन्यवाद।